स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एट होम। आज मैं आपको स्टडी करवाऊंगी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, सम नेचुरल फिनोमेना के बारे में। तो ये चैप्टर काफी लेंथी है, तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोज को जो है आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको सही से पूरा चैप्टर समझ आएगा। तो चलिए जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं अपने चैनल पे कॉन्सेप्ट बेस्ड जो वीडियोस हैं वो स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपको वो पसंद आए तो वो जाकर एक बार ज़रूर देखें। वो मैं अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स के लिए आपको बताऊंगी, जैसे SS हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, साइंस हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊंगी, तो वो आप मुझे अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। तो चलिए ये वाला जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमें आसपास चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें लाइटनिंग दिखाई देती है, यानी कि जब बादल गरजते हैं तो वहाँ से हमें लाइटनिंग की, थंडरबोल्ट, ये सारी चीज़ें हमें आसपास दिखाई देती हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो ये जो है हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं ये मैटर से बनी है, जो कि एक बेसिक यूनिट है। हर एक बेसिक यूनिट होगी मैटर की एटम, यानी कि एक एटम जो है वो हर एक चीज़ की एक बेसिक यूनिट है। ये जो है इसके बिना हम किसी भी चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते। हर एक चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी है। अब एटम किस चीज़ से मिलके बना है वो हम देखेंगे। तो ये हमारे एटम का एक स्ट्रक्चर है, रफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आज तक रियल में तो किसी ने इसको देखा नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ इसको ऑब्जर्व किया है, जिसकी वजह से हम थोड़ा बहुत आइडिया से इसको बता सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसके एटम के अंदर होती हैं तीन चीजें, ओनली थ्री थिंग्स। फर्स्ट है हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, N फॉर न्यूक्लियस, N फॉर न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन की फैमिली में रहते हैं। इसके अलावा एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ओके, ये इसके चारों तरफ घूमेंगे, इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो क्या होगा, ये पूरा एटम का हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर है, जिसमें पी हमारा जो है वो प्रोटॉन है, एन न्यूट्रॉन है और ई इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान रखो, मैं आपको इसके चार्जेस बता रही हूँ, यानी कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन मीन्स नो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट है प्रोटॉन, यानी कि पी पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ई इलेक्ट्रॉन, इसको याद करना पड़ेगा, नेगेटिवली चार्ज के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ई माइनस। ओके, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक एटम के अंदर सिर्फ ये तीन चीजें ही होती हैं। ओके, अब इनकी अरेंजमेंट थोड़ी अलग हो सकती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, एक एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये जो बाहर घूम रहे हैं और प्रोटॉन शुड बी इक्वल, यानी कि उनका नंबर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन्स का। अब एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा जब तक ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, क्योंकि पॉजिटिव जो है जितने ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा नेगेटिव भी होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसके अंदर कोई चार्ज शो नहीं होगा। लेकिन अगर जहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इनकी संख्या अलग अलग हो जाए, मतलब इनका नंबर अलग अलग हो जाए, तो क्या होगा, अगर उसमें प्रोटॉन ज्यादा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ओके, अब इसके अंदर देखो ये दो चीजें ही यहां पे दिखाई गई हैं। इसके अंदर दो केसेस होंगे। फर्स्ट होगा हमारा, अगर इलेक्ट्रॉन एड कर दिए जाए जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, तो एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। और अगर उसके अंदर जो है प्रोटॉन ऐड कर दिया जाए तो वो प्रोटॉन उसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट होगा एटम जो है जब वो चार्ज होगा तो उसको आयन बोलेंगे। ध्यान से सुनना, एटम जब चार्ज है उसको आयन बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज है तो कैटायन बोलेंगे और नेगेटिवली चार्ज है तो अनायन बोलेंगे। ओके, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, हाउ डू चार्जेस इंटरैक्ट। तो जो चार्जेस है वो इंटरैक्ट कैसे करते हैं, तो दे इधर अट्रैक्ट
और रिपेल, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो इस केसेस में क्या होता है, लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ओके, लेकिन जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होंगे वो ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो न्यूट्रल होगा वो अट्रैक्ट होगा, वो हर केस में अट्रैक्ट ही होगा, नेगेटिव चार्ज से भी और पॉजिटिव चार्ज से भी। ओके, तो ये वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।